प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम स्वनिधि योजना के उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों के साथ करेंगे संवाद। साथ ही प्रधानमंत्री सतर्क भारत समृद्ध भारत के मुद्दे पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सतर्कता और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक राष्ट्रीय सम्मेलन का भी करेंगे उद्घाटन। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता आज। दोनों देशों के बीच अहम मसलों पर विस्तार से चर्चा के साथ बेका समझौते पर होंगे दस्तखत। अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। बिहार में 16 जिलों की 71 सीटों पर बुधवार को डाले जाएंगे वोट। पहले चरण के लिए कल थमा चुनाव प्रचार। कोविड काल में निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने किए हैं पुख्ता इंतजाम। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए राज्यसभा चुनावों के लिए भाजपा ने की अपने उम्मीदवारों की सूची जारी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और भाजपा के महासचिव अरुण सिंह होंगे भाजपा के प्रमुख उम्मीदवार। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। कोरोना के खिलाफ जंग में मामलों के प्रभावी प्रबंधन के चलते 1.5% से भी निम्न मृत्यु दर हुई सुनिश्चित। केंद्र सरकार के जो कोशिश है प्रयास है केवल कोविड को रोकने की बल्कि मौतों को कम करने के फोकस के बाद नए मौतों की संख्या में आई गिरावट। सरकार ने 1% से कम की CFR को प्राप्त करने और उसे बनाए रखने का रखा है लक्ष्य। अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में अब सिर्फ 1 हफ्ते का समय बाकी। चुनाव पूर्व मतदान में अब तक रिकॉर्ड 6 करोड़ से ज्यादा नागरिकों ने डाला वोट। वहीं अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश एमी कॉनी ब्रेट ने ली शपथ। और खेलों में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने की ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया की घोषणा। वनडे और T20 में KL राहुल को बनाया गया उपकप्तान। रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा को चोट के कारण टीम में नहीं मिली जगह। मोहम्मद सिराज और वरुण चक्रवर्ती को पहली बार किया गया है शामिल।